तो हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आ गया हूँ नया टॉपिक लेके, और ये जो है बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आपके जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला है। तो अगर आपको भी ये सीखने का बुखार, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार। और आज बात करने वाला हूँ मैं, ये ऐसा प्रॉब्लम तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे आपका कंक्रीट जो है निकल आता है और जो रिइंफोर्समेंट है वो दिखने लगता है कुछ इस तरह से, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे रश लग चुकी है और कंक्रीट जो है अपना जान छोड़ चुकी है। तो ये जो आप देखते हैं जैसे कि ये क्या है, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे रिइंफोर्समेंट की जैकेटिंग। तो आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि ये रिइंफोर्समेंट का जो जैकेटिंग होता है वहाँ पे हम लोग कौन सा कंक्रीट डालते हैं, क्या हम लोग नॉर्मल कंक्रीट डाल के इसको हम लोग बना सकते हैं क्या, क्या इस पर आप कभी सोचा है कि हमने इस पर कैसे टाइप्स के कंक्रीटिंग इसमें डालते हैं। ये वाली प्रॉब्लम जो आप देख पा रहे हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या नॉर्मल कंक्रीट से हम लोग इसे बना सकते हैं, तो क्या है इसका सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन है इसका माइक्रो कंक्रीट। ये जो दिख रहा है आपको ये है माइक्रो कंक्रीट, और इसी माइक्रो कंक्रीट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो पिछला आपने जो भी प्रॉब्लम देखा उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है माइक्रो कंक्रीट। तो माइक्रो कंक्रीट इज अ कंक्रीट, ये एक टाइप का सीमेंट है, और ये जो सीमेंट है वेरी हाई डेंसिटी वाला सीमेंट है। तो इसकी जो डेंसिटी जो होती है ना ये वेरी हाई होती है, इसका जो पार्टिकल जो होते हैं ये पास पास होते हैं। ये जो है एक डेंस सीमेंट होता है, और इसको जो है बनाया जाता है सैंड और सीमेंट और एडमिक्सचर के मिक्सर से। तो ये तीनों चीज का मिक्सचर जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है, और इसका जो मिक्सचर है ये आपको रेडी मिक्स मिलता है, और रेडी मिक्स मिलता है इसीलिए अब इसको अगर पेस्ट बनाना है आपको, तो पेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डिजायर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसके अकॉर्डिंग आपको वाटर मिक्स करना पड़ता है। और वाटर मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, इस जो कंक्रीट है वो जो डिजायर मिक्स है आपका वो हम लोग अचीव करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंक्रीट के एप्लीकेशंस के बारे में, ये जो माइक्रो कंक्रीट है ये कहां कहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिपेयरिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो जितने भी टाइप के आपके आरसीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको रिपेयर करने के हम लोग माइक्रो कंक्रीट का यूज करते हैं। जैसे कि आपका ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका ब्रिज का डेक स्लैब हो सकता है, ये आपके टनल का वॉल हो सकता है, ये आपके डैम का अबुटमेंट हो सकता है। तो जितने भी टाइप्स के आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर है सब में हम लोग माइक्रो कंक्रीटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रिपेयरिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे रूफिंग के लिए मतलब जैसे कि आपने ये वाला प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है, आपने देखा ही होगा। तो ये जो प्रॉब्लम जब आती है तो ये प्रॉब्लम से हम लोग निपटते कैसे हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको पूरा बताने वाला हूं क्या इसका प्रोसेसर रहेगा, इसको सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। उसके बाद है फ्लोरिंग वर्क के लिए। तो जहां पे आपका जो बेसमेंट वाला एरिया है वहां पे आपकी गाड़ियां आने वाली है, तो वैसे जगहों पे आपका जो टॉप लेयर जो रहता है उसको सर्फेसिंग करने के लिए हम लोग माइक्रो कंक्रीट का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग शिप बिल्डिंग के लिए, तो ये जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जहाजें जो बनती है आपका जो समुद्र में तैरती हैं, ये जो जहाजें इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर जहां पे हम लोग माइक्रो कंक्रीट का जो है यूज करते हैं। अगला जो देखेंगे हम लोग वो है फेसाड रिपेयर के लिए। तो आपका जो घर होते हैं, घर में जो आर्किटेक्चर बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन जो देते हैं, उस डिजाइन को मेंटेन रखने के लिए, उसके रिपेयर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रो कंक्रीट का जो है यूज करके उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगला जो देखेंगे वो फुटपाथ में। तो आपका जो रोड साइड पे फुटपाथ है या आपके गार्डन में फुटपाथ है, तो वहां पे लोग जो है वहां पे चलते हैं, तो इसका जो टॉप लेयर का जो सरफेस होता है उसको अच्छा बनाने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए आपकी माइक्रो कंक्रीट की सर्फेसिंग जो है की जाती है। अगला जो इसका यूज है वो है विंडो के सील एंड लिंटल्स में। ये जो आप सील देख रहे हैं, ये जो सील है इसकी डैमेज हो जाने के बाद इसको हम लोग जो रिपेयरिंग करते हैं उसके लिए हमको माइक्रो कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं इसको भी हम लोग सुधार लेते हैं। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए, तो जितने भी जगह जहां पे आपको वाटर प्रूफिंग की जरूरत पड़ रही है जैसे कि आपके रूफ टॉप में, तो वैसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं माइक्रो कंक्रीट का यूज करके उसको एज अ वाटर प्रूफिंग सीमेंट हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा यूज करने का। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये हम लोग ये जो रूफ में ये जो आपका सीलिंग दिखता है वहां से कंक्रीट जब निकल आती है तो हमारा रिइंफोर्समेंट जो है दिखने लगता है, और ये जब दिखने लगता है तो हम लोग डर जाते हैं कि ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा, तो इसकी भी रिपेयरिंग हो सकती है। तो इसकी रिपेयरिंग हम लोग कैसे करते हैं, बस इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं पूरा प्रोसेस। तो
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये जो यहाँ पे आपको लूज कॉन्क्रीट जो दिख रहा है ना, उसको हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग छैनी के हम मदद से या फिर हैमर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, वो जो लूज कॉन्क्रीट है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा जो माइक्रो कॉन्क्रीट उसके ऊपर चिपकने वाली है वो लूज ना रहे, वो कहीं निकल ना जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लूज मटेरियल है उसको हम लोग साफ करते हैं, और उसको साफ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें रस्ट लग चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके रस्ट को निकालने के लिए कई सारे ऐसे एजेंट्स आते हैं, कई सारे ऐसे स्प्रे आते हैं जो उसके रस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। तो वो हम लोग अप्लाई करते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सरिया यहाँ से ख़राब हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, तो हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं और नई बार वहाँ पे हम लोग रीबारिंग के थ्रू क्या करते हैं, लगाते हैं। और रीबारिंग करने के बाद उसमें क्या करते हैं, एंटी कोरोजिव एजेंट लगाते हैं, ताकि हमारा जो बार है उसमें फ्यूचर में कोई रस्ट ना लगे। इसके लिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्लैब जो दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग देखो यहाँ पे कुछ होल्स हमने बना के रखे हैं, यहाँ पे कुछ होल्स बना हुआ दिख रहा है आपको, तो बीच बीच में आपको जो होल दिख रहा है ना, ये होल जो दिख रहा है आपका, ये है कॉन्क्रीट को पोर करने के लिए। तो पहले हमने रिइंफोर्समेंट पूरा किया, फिर हमने कहीं कहीं पे होल किया, तो ये जो होल है हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में हम लोग एक होल कर देते हैं, जिससे हम लोग कंक्रीट की पोरिंग कर सके। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम लोग नीचे से क्या करने वाले हैं, शटरिंग करेंगे, तो हम लोग कंक्रीट को पोर कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए हमको ऊपर से क्या बनाना पड़ता है, होल बनाना पड़ता है, और उसी होल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट की पोरिंग करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने शटरिंग लगानी है, और शटरिंग ऐसे लगानी है कि उसमें भी कोई भी लीकेज ना हो, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोएबल होता है, अगर वो फ्लो हुआ कहीं से भी या लीक हुआ तो हमारा बहुत सारा वेस्टेज हो सकता है। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो शटरिंग है उसको प्रॉपर वे पे लगाना पड़ता है। और उसके बाद क्या करते हैं, तो आपका जो रेडी मिक्स जो मिक्सर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रेड अचीव करने के लिए उतने मात्रा में उस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं और उसको कुछ इस तरह से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको हम लोग जो होल बनाया हुआ है वहां से हम लोग इसको क्या करते हैं, पोरिंग करते हैं, और पोरिंग करने के बाद जो आपका कंक्रीट का सरफेस आने वाला है वो कुछ इस तरह से आता है। तो इंजीनियर कुछ इस तरह से हम लोग माइक्रो कॉन्क्रीटिंग की सरफेसिंग को करते हैं, और ये जो स्लैब है उसको मेंटेनेंस हम लोग इस तरह से करते हैं। तो और भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये जो माइक्रो कॉन्क्रीट होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इंजीनियर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तो बोलिए मेरे साथ, तो करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।